हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट लाइव। मैं आपका सिविक्स का टीचर रवि उपाध्याय। आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। पावर शेयरिंग वो होता है कि मतलब कि किसी पॉलिटिकल लीडर के बीच में पावर शेयर है, ठीक है। यहाँ हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो पावर शेयरिंग ये पहला चैप्टर है और इसमें हम पढ़ते हैं इसको। इसमें ये बताया गया, इसमें दो कहानियों से इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला है हमारा बेल्जियम का, बेल्जियम की कहानी दी गई है और दूसरा है श्रीलंका की कहानी। तो इस श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी की वजह से हमें ये समझना है कि इन दोनों कंट्री में कैसे पावर शेयर हुई है और कहाँ किस कंट्री ने अच्छे से पावर शेयर किया है और किस कंट्री ने अच्छे से पावर शेयर नहीं किया है, जिसके कारण जनता को क्या क्या फेस करना पड़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है बेल्जियम। बेल्जियम जो एक कंट्री है, ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करती है नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से, ठीक है। ये किससे बॉर्डर शेयर करती है, नीदरलैंड से, जर्मनी और लक्जमबर्ग से, ये उसके साथ पावर शेयर करती है। ये बेल्जियम का देखिए मैप है। इसके ऊपर वाले रीजन को फिलिनियस रीजन कहा जाता है और कॉलोनियल रीजन नीचे वाले को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो स्पीकिंग थे, यहाँ 40% लोग क्या करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते 40%। और 59% स्पीकिंग क्या थी, डच लैंग्वेज थी। मतलब कि कंट्री के नीचे वाले पार्ट में फ्रेंच स्पीकिंग 40% थी, ठीक है। हाँ ठीक है, कितने थी, 40% थी, और डच लैंग्वेज की थी 59%। और सेम इसी को जब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रसल्स, ठीक है, ड्रॉप हो गया कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रसल्स में देखते हैं, यहाँ पे 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और एक मिनट, हाँ, और 20% डच लैंग्वेज बोलते थे। मेरा कहने का मतलब है, प्लीज समझिए, यहाँ पे देखिए सेम 59% डच स्पीकिंग थी, ठीक है। 59% यहाँ पे डच स्पीकिंग थी और यहाँ पे 20% डच स्पीकिंग थी। तो कहने का मतलब कि इसका अपोजिट था, जो ब्राजील की कैपिटल ब्रसल्स में जो पोजिशन था स्पीकिंग की लैंग्वेज की, और उसी तरह और ये कंट्री में उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें ये देखा गया कि अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे पावर शेयर किए हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, सुन लीजिए, यहाँ पे क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थी और जो डच स्पीकिंग थी, ठीक है, और जो डच स्पीकिंग थी उनको क्या किया करता था, उनको उनकी जनसंख्या भी ज्यादा थी और वो क्या थी, रिच थी, ठीक है, वो रिच हुई थी, ठीक है। जो रिच थी तो उनके पास थोड़ा सा पावर ज़्यादा आ जाती थी, और जब पावर ज़्यादा आ जाती थी और उनको क्या करती, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट बना रही है तो उनके पास जल्दी मिल जाती थी और इन लोगों को टाइम मिलता था। कौन सी, डच स्पीकिंग वाली। मैंने क्या समझाया था और मैंने ये भी समझाया यहाँ पर देखिए, और जो 1% जनसंख्या थी वो कौन थी, जर्मन लैंग्वेज कौन थी, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने फिर से एक बार रिजन कर लेते हैं, यानी 59% डच स्पीकिंग थी और 40% फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग थी, कहाँ पे, कंट्री में, ठीक है। और अगर उसी कैपिटल ब्रसल में देखें, कैपिटल बेल्जियम जो थी 80% फ्रेंच स्पीकिंग और 20% जो थी वो कौन सी, डच, ठीक है। तो और इसी की वजह से जो फ्रेंच स्पीकिंग थोड़ा सा रिच थी, ठीक है, तो इन दोनों कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है। टेंशन क्यों क्रिएट हो गया, जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल, ठीक है। जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो क्या थी, वो पावरफुल थी और रिच थी, ठीक है, वो थी। और फिर क्या, दिस वाज द रिजल्ट बाय द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट व्हाट बिकम डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द लेटर, ठीक है। और उनके पास जो आया करती थी इसकी स्कीम जो रिलेटेड हुआ करती थी, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड होती थी, इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती थी, तो उनके पास बहुत काम से हुआ करती थी। और इसी के बीच में दोनों में क्रॉस हो गया, मतलब कि क्या होता है, टेंशन क्रिएट हो गया। तो क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट देखा कि यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो जब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि, और ये 1950 से 1960 में, ठीक है, 1950 से 1960 के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होने लगी, और जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी 1970 में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया,
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मतलब कि एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके माध्यम से क्या करते हैं कोई भी कंट्री अगर रन कर रही है, चल रही है, तो उसी के बेसिस पे चलती है, ठीक है, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि हाँ, फिर 1793 में वो बेल्जियम की जो सरकार थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कितने बार अमेंड किए, चार बार अमेंड किए, ठीक है, चार बार अमेंडमेंट किए। और उन्होंने क्या किया कि जब ये सब कंडीशन देखते हुए तो वहाँ गवर्नमेंट ने कहा कि चलिए हम बुलाते हैं, उन्होंने अमेंड करके क्या किया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिए, क्या करिए इक्वल कर दिए, ठीक है, क्या करिए इक्वल कर दिए, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या कर दिए, सॉरी, ठीक है, वहाँ की क्या करिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनका पार्टनर था फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग वहाँ पे इक्वल कर दिए। दूसरा क्या किया, सब स्पेशल रिक्वायर्ड सपोर्ट मेंबर फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप दिस नंबर द सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन अंडर लिमिट, ठीक है। और वहां में कवर भी किया कि मैंने सॉरी वहां के कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिए थे, ठीक। और तीसरा द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबॉर्डिनेट नहीं थी, ठीक है, उनको भी फ्री किया गया, ठीक है। और ब्रसेल्स हैज द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट व्हिच बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैज द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनमें जो स्पीकिंग थी, ठीक है, अब वहां पे वो नहीं देखा जा रहा था कि मतलब कि ये रिच भी हैं, ठीक, पावरफुल भी हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कर दिया जाए, नहीं, ये सब नहीं देखा गया, क्या देखा गया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। और फिर क्या, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो कम्युनिटी गवर्नमेंट, और क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, क्या बनाई गई, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, जो कम्युनिटी होती है एक दूसरे की, उसी में से एक गवर्नमेंट, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई छोटे ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि तीन चीजें निकल गई, एक सेंटर, एक होता है स्टेट, एक होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेंटर बनाई गई, ठीक है, स्टेट बनाई गई हमारा जो कि आज भी है, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं इंडिया के फ्यूचर से, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जब यहाँ का ऐसा अमेंडमेंट कर करके गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लगाया तो ये कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बहुत अच्छा था, ठीक है, जो मेथड गवर्नमेंट ने लगाया था, ठीक है, अपने माइंड को यूज करके गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट करके ये रूल लाया गया, इससे प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, वहाँ जो जनता में क्रॉस चल रहा था एक दूसरे के लिए टेंशन क्रिएट हो रहे थे, उससे क्या हुआ कि वो वहाँ पे शांति बन गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पावर उन्होंने कैसे सेव किया, एक सेंट्रल लेवल पे कैसे सेव किया कि इनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होंगे, ठीक है, और ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाएंगे, ठीक है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन का है, इससे क्या होगा प्रॉस्पर्टी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि फिर उन्होंने यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहाँ का मतलब कि इतना अच्छा सिस्टम हो गया था कि यूरोपीय यूनियन का यहाँ से क्या किया हेडक्वार्टर भी इसको, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि तमिलनाडु, ठीक है, मैं क्या बताया था कि हाँ श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से हुई तो वहाँ एक प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हुई, ठीक है, अच्छे शांति आ गई, ठीक है, लोग क्या हो गए कि अच्छे से रहने लगे, तो कहने का मतलब है कि पावर शेयरिंग अच्छे से हो गया। फिर वही बात करते हैं श्रीलंका, श्रीलंका कहाँ है आप लोग बताइएगा, ठीक है, उससे कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे है ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए श्रीलंका देखिए, श्रीलंका ये तो देखिए जान ही गए श्रीलंका कहाँ पे, ठीक है, और ठीक है ये देखिए श्रीलंका, श्रीलंका में कंडीशन क्या है, श्रीलंका में क्या कंडीशन का है, श्रीलंका है, श्रीलंका एना आइसलैंड नेशन ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के सदर कोस्ट में देखिए तो आइसलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, कितने पॉपुलेशन थी 2 करोड़ थी, ठीक है, बेल्जियम में कितनी थी 1 करोड़ थी, ठीक है, ठीक है, कितनी थी वहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे कितनी है 2 करोड़, पॉपुलेशन कितनी 2 करोड़, कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो, कोलंबो क्या है श्रीलंका की कैपिटल, तो हम ये जानिए कि श्रीलंका है कहाँ, ठीक है, श्रीलंका कैपिटल क्या है और उसके बाद वहाँ पॉपुलेशन क्या थी उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम बता, ठीक है। अब वहां की कंडीशन क्या थी, वहां की कंडीशन इस तरह थी कि वहां पे 74%
ठीक है, 74% सिन्हाला स्पीकर, ठीक है, यानी सिन्हाला लैंग्वेज स्पीक करते थे जो कि क्या थे, बुद्धिस्ट थे, ध्यान दीजिएगा। 18% कितने थे, तमिल स्पीकर थे जो कि क्या थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। तमिल भी कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक तमिल नेटिव और सिन्हाला श्रीलंका में रहते थे, ठीक है, एक ही इंडियन तमिल, इंडियन तमिल थे जो क्या, हु वेयर रेजिडेंट ऑफ द इंडिया बट हैव बीन बोर्न इन श्रीलंका मेनी इयर्स एगो इन द टीवर, ठीक है, वो बहुत पुराने साल से एज अ टीवर के वहां पे क्या रहते थे, रहते थे तमिल, दो प्रकार, ठीक है, मैंने क्या बताया सिन्हाला 74% स्पीकिंग थे तमिल, जो तमिल सॉरी जो तमिल बोलते थे 18% जिसमें से हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, और सिन्हाला बुद्धिस्ट थे। तमिल कितने, दो प्रकार के थे, एक थे तमिल नेटिव फॉर श्रीलंका थे, तमिल हु इज ऑलरेडी रेसिडेंट फॉर श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में वो पहले से ही रहते थे, और 70% स्पीकिंग थे जो क्रिश्चियन थे, सिन्हाला तमिल स्पीकर, ठीक है, सिन्हाला तमिल जो स्पीक मिस सिन्हाला और तमिल स्पीकर कितने परसेंट थे, 7%, ठीक है। अब वहां कंडीशन क्या थी, जब ऐसी कंडीशन हुई, ठीक है, ठीक है, और जब मतलब ऐसा तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, वहां की गवर्नमेंट ने कैसा सिस्टम बनाया था, इसके बारे में वहां क्या किया था कि 1956 में एक एक्ट पास बाय द रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सिन्हाला जो सिन्हाला थे, ठीक है, सिन्हाला की लैंग्वेज को उन्होंने 1956 में क्या कर दिया था, ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया, कितने समय किया था, 1956 में किया, ठीक ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट फॉलो, देखिए पहला क्या किया था उन्होंने 1956 में एक्ट पास किया जिसमें क्या किया कि सिन्हाला की ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला ऑफिशियल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या क्या किया था कि जो गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, जो भी स्कीमें आती थी उनमें सिन्हाला कम्युनिटी को क्या क्या दिए थे, सबसे आगे बनाया जाता, क्यों बनाया जाता, देखिए कम्युनिटी कैसे बनती है, ठीक है, आई मीन कह रहे कि मेजोरिटी में जो थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, उनकी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, और किसी भी चीज में क्या ऑफिशियल जॉब गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन में क्या क्या कर दिया गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर दिया गया, उनको ज्यादा सुनिया कंपेरिजन टर्म्स, ठीक है। फिर क्या किया, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट एंड एनफोर्सर ऑफ द, और उन्होंने क्या किया कि जो रूल्स बनाए उसमें सिन्हाला वालों को ज्यादा फेवर में था, और जो क्या बुद्धिस्ट, ठीक है, ज्यादा फेवर में था। तो इससे क्या हुआ कि जो सिन्हाला थे उनके लैंग्वेज कल्चर और रिलीजन को वो प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट करती थी, उसके लिए बेनिफिट्स भी निकालती थी, उसके लिए क्या करती थी, सब काम जो होता था सिन्हाला पे ही करता, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या थी, गवर्नमेंट किससे बनती है, वोट से बनती है, ठीक है, अब वोट किससे चाहिए, जो ज्यादा जनसंख्या में है उन्हीं से वोट चाहिए, तो उन्हीं के लिए बेनिफिट भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया, ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लैंग्वेज कल्चर को क्या किया, ठीक है, और अदर हैंड फिर तमिलनाडु क्या थे, दे लिव दैट द गवर्नमेंट्स एंड द मेजर पार्टी डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज रीजन एंड कल्चर, और जो क्या करती वहां की अदर पार्टी जो पार्टी थी गवर्नमेंट की पार्टी थी वो क्या करती थी, जो पार्टीज थी जो गवर्नमेंट थी उनकी लैंग्वेज रीजन और कल्चर को क्या करते थे, केयर नहीं करते थे, उसके कल्चर और लैंग्वेज के बारे में उसको केयर नहीं की जाती, और इस रीजन को देख करके हमारा फंडामेंटल राइट्स आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो उनका भी फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है, तो राइट टू इक्वलिटी उनका क्या मतलब, इक्वलिटी मतलब इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इनकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सब कंडीशन को देखते हुए तभी उसने सोचा कि चलिए ठीक गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही, ठीक है, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी खुद एक पार्टी बनाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, स्टेप टेकन बाय द तमिल स्पीकर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की गवर्नमेंट अगेंस्ट उन्होंने खुद एक पार्टी बनाई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। उनकी डिमांड क्या थी कि तमिल लैंग्वेज शुड ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी पहली ये
डिमांड थी कि क्या है कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, ठीक है, करना चाहिए। एंड द सेपरेट गवर्नमेंट शुड बी फॉर्मेड देयर द रीजन, ठीक है, और सेपरेट एक गवर्नमेंट बनना चाहिए और हमारे रिलीजन से, ठीक है, बन गया। और कहते हैं तमिल पीपल शुड ऑल्सो गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिन्हालास, और क्या करते थे कि हमें क्या कहें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे सिन्हालास को मिलती है, ठीक है, वैसे तमिल को यानी हमको भी मिलनी चाहिए, उनकी ये रियलिटी। फिर वो भी उन्होंने कहा कि अगर आप ये भी नहीं करते तो ठीक है, अगर आप ये भी नहीं करते तो ठीक है, एट द सीक्रेट कंट्री फॉर द तमिल स्पीकर इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें एक मतलब कि एरिया दे दें, वहां पे हम क्या करेंगे रहेंगे, ठीक है। तो फिर क्या किया कि लेकिन गवर्नमेंट वहां पे उनको नहीं सुनती, ठीक है, जब गवर्नमेंट वहां पे नहीं सुनती है तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है, जब क्योस आ जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि उन दोनों में सिविल वॉर शुरू, जब सिविल वॉर से शुरू जाता है तो उस कंट्री की जो कंडीशन वो बहुत खराब होती है। तो आप इससे क्या समझें कि वहीं पे देखिए बेल्जियम की मैंने जो कहानी बताई, बेल्जियम को देखते हैं या श्रीलंका को देखते हैं, जब कंपेरिजन करते हैं बात पावर शेयरिंग की है, इसकी बात है पावर शेयरिंग की, वहां पे इतनी अच्छी पावर शेयरिंग हुई कि उसको यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया, और यहाँ पे इतनी पावर ठीक से शेयर नहीं हुई, ना ही फंडामेंटल राइट को देखा गया, ना ही उनकी मांगों को पूरा किया गया, सब चीज खराब हुआ, तो उससे क्या हुआ कि वहां पे क्योस हो गया। तो बात कहने का मतलब है कि अगर पावर शेयरिंग अच्छे से होती तो श्रीलंका भी एक अच्छी जगह होता, वहां पे सिविल वॉर नहीं चलता, ठीक है। अब बात आती है पावर से, जैसे मैंने बताया कि बेल्जियम देखिए हंसता हुआ चेहरा, ठीक है, बेल्जियम में अच्छा जितना था गवर्नमेंट ने अच्छी मतलब कि अमेंडमेंट करके उसमें जो अमेंडमेंट करके जो उसमें इन्वॉल्व किए गए, ठीक है, वो पावर से भी बेल्जियम के लिए बहुत अच्छी, समझ गया। और वही अगर श्रीलंका को देखते हैं वहाँ पावर देखे होता हुआ, समझ आ रहा है ना कि वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ठीक से रूल्स और रेगुलेशन नहीं ला पाए वहाँ की जनता के लिए, ना तमिल के लिए, सिन्हाला के लिए तो लाए, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि उन्होंने उनको क्या जरूरत थी, वोट की जरूरत, ठीक है, ठीक, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो वही देखिए रोता हुआ चेहरा श्रीलंका, श्रीलंका का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे ठीक नहीं थी। सेकेंड में देखते हैं बेल्जियम, देखिए हंसता हुआ चेहरा, मतलब कि वहाँ की जो पावर शेयरिंग थी बहुत अच्छी थी। तो बात पावर शेयरिंग, अब हम बात करते हैं, आप तो आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है सर आप समझ में तो आ रहे हैं पावर शेयरिंग क्या, कि पावर शेयरिंग होती कैसे, पावर शेयरिंग कैसे करते हैं, समझ में तो आ गया कि पावर शेयरिंग ना पावर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, शेयर। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, अगर पावर शेयरिंग करते हैं तो डिजायरेबल है दो कंडीशन, ठीक है, एक प्रूडेंशियल रीजन, पहला क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। अगर पावर अगर हम देखते हैं पावर शेयरिंग अगर अच्छे से करते हैं तो जो जो सोशल ग्रुप के बीच में पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाते हैं ना कि उसकी, ठीक है, वो क्रिएट नहीं होती, ठीक है, और जो भी पावर अच्छे से शेयर होती है वो सभी जनता के पास इक्वल पहुंचती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन रीजन होती है, एक मॉरल रीजन भी होता है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो उसके क्या है, एक स्प्रिट है, ठीक है, लोकतंत्र की, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है ये हम सब पढ़े, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9 की बुक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, पावर शेयरिंग कैसी होती है, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्ट में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कहाँ के कॉन्टेक्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्ट में। अब हम बोलते हैं, ठीक है, अब हम जैसे फ्रॉम पावर शेयरिंग, ठीक है, अब ये क्या है, ये एक लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और समय का अभाव है हमारे पास, तो आज हमने क्या किया, कहानी पढ़ी है और यहाँ तक हम इसको रखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, प्रोडेंशियल रीजन हो गया, मॉरल रीजन, पावर सेविंग डिजायरेबल है क्यों है ये हमने बताया, ठीक है। अब इसके आगे अब हमारा मेन, ठीक है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ये मेन है, ठीक है, ये हम इंडिया के कॉन्टेक्ट में बात करेंगे, यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि इंडिया में कैसे सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इंडिया में सिस्टम कौन चल रहा है, ठीक है, पावर शेयरिंग है तो कौन कौन से लोग पावर शेयर किए हैं इसके बारे में, ठीक है, तो ठीक है, छोड़िएगा नहीं लेक्चर, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, सी यू।